अयोध्या में भव्य दीपोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसमें 551,000 दिए लगभग जलाए जाएंगे और श्री राम सीता का प्रतीकात्मक जो है अवतरण होने वाला है। यहाँ का जो एक राम कथा पार्क है उसमें हेलीकॉप्टर के माध्यम से राम सीता का प्रतीकात्मक अवतरण देखने को मिलने वाला है। 26 तारीख को ये आयोजन होने जा रहा है और काफ़ी भव्य आयोजन है, उसको लेकर के तैयारियां शुरू हो गई हैं। जैसा कि कहा जाता है कि यहाँ पर श्रीलंका, इंडोनेशिया और फिलीपींस, नेपाल, भारत सहित लगभग 6 शैलियों की रामलीलाओं का मंचन भी यहाँ पर होने जा रहा है। इस वक्त हम तुलसी उद्यान में हैं और तुलसी उद्यान में भी भव्य तैयारियाँ यहाँ पर चल रही हैं। जिस तरीके से ये कहा जा रहा है रामलीला के साथ साथ बिरहा और जैसे लोकगीतों का भी मंचन किया जाएगा और लोग काफ़ी यहाँ पर भीड़ होने वाली है 26 तारीख को दीपोत्सव में। 551,000 दीप जो जलने वाले हैं उनको लेकर के जो ये भव्य आयोजन हो रहा है, इसी पर हम बात करेंगे लोगों से। भैया आप बताइए, 551,000 जो दीप जलने जा रहा है इसको लेकर के किस तरीके से दीपोत्सव का तैयारियां यहां पर हो रही हैं अयोध्या में? अयोध्या में बहुत हर्ष और उल्लास की तैयारियां हैं और कना में पूरी अयोध्या मतलब प्रसन्न है इस दीप उत्सव से और बाबा जी के कार्यों से। और बाबा जी ने जो भी कार्य किए हैं वो सराहनीय हैं और उसकी मतलब कोई उसका कोई और उपचार नहीं है। बाबा जी ने बहुत ही अच्छा काम किए हैं और बाबा जी से इतना काम करते रहेंगे तो जनता उनको सदैव याद करती रहेगी। बाबा मतलब योगी, योगी जी महाराज, योगी आदित्यनाथ जी। फर्स्ट तो इसमें एक चीज़ और ऐड की गई है कि राम दरबार का पूरा हम लोग स्वरूप बना रहे हैं। BFA के बच्चे हैं वो, आप काम देख सकते हैं यहाँ पे। और जो दीपोत्सव 2019 का हो रहा है उसके लिए भी हम लोग दिए से ही लिख रहे हैं इस चीज़ को कि वो दीपोत्सव 2019 है। यहाँ पे कुछ रंगोलियाँ भी बनेंगी जो आकर्षण का केंद्र रहेंगी। बाकी और घाटों पर भी दिए जलाए जा रहे हैं। मुख्य तो आपका ये राम दरबार का रहेगा, मुख्य जो आकर्षण रहेगा, क्योंकि हम दिए से ही पूरा दरबार दिखाने वाले हैं राम दरबार का। हाँ, यहाँ पे जो है पिछली बार के जो दीपोत्सव का कार्यक्रम आयोजित किया गया था यहाँ मुख्यमंत्री जी के द्वारा, उसमें इस साल के कार्यक्रम बड़ी भिन्नता ये है। पहली बार तो राम पैड़ी बदल दी गई है, पिछली साल ये राम पैड़ी दूसरे ढंग से थी, इस साल दूसरे ढंग की कर दी गई है। क्या उसमें मतलब? इसमें पूरा एकदम ढांचा, जैसे पहले राम पैड़ी गहरी थी उसको तोड़ करके जो है इसको दूसरे ढंग से बना दिया गया है। पिछली बार आप देखे भी रहे होंगे और इस साल जो यहाँ दीपोत्सव का कार्यक्रम चल रहा है इसमें सबसे बड़ी विशेषता यह है दीपोत्सव कार्यक्रम में कि यहाँ पर जो दीपक हैं उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ करके जो है, पिछले साल तो शायद 2.5 लाख की संख्या थी, इस साल 5 लाख कर दी गई है। दीपोत्सव से अयोध्या को एक व्यापक पहचान मिली है। अभी तक कोई ऐसा पर्व नहीं था जिससे कि अयोध्या को पहचान मिल सके, जैसे कुंभ से इलाहाबाद की पहचान है, कुछ जगह सोनपुर के मेले या ददरी मेले से बलिया की पहचान है, उस तरह से दीपोत्सव से अयोध्या की पहचान बनी है। दीपोत्सव का आयोजन तो इस तरह से हम लोग कर रहे हैं कि जैसे आपने पहले भी सुना होगा कि रामचंद्र जी जब आए थे वापस उस तरह से अयोध्या वासियों ने दीपावली मनाई थी, तो इस पर्व में दिवाली के दिन हम लोग ये महसूस करेंगे, उस पल में जाने की कोशिश करेंगे कि जब रामचंद्र जी वापस आए होंगे तो कैसा माहौल रहा होगा, और उसी भावना से ग्रसित होके, उसी भावना से हम लोग प्रेरित होके इन सारे दियों को जला के एक नया विश्व कीर्तिमान स्थापित करने की प्रेरणा रख रहे हैं। और ये तो जब बड़े रूप में दिया, हमारे यहाँ तो सनातन काल से आता है, अब यह है कि उसको बड़ा रूप दे दिया जी। समूह नया विश्व रिकॉर्ड फिर से बनाने की, अपना ही स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ने के लिए हम लोग फिर से उसी प्रेरणा से, उसी मतलब मोटिवेशन से आए हुए हैं इस बार भी, ताकि एक नया विश्व कीर्तिमान फिर से स्थापित किया जा सके। जैसे भैया कि जैसे ये अयोध्या भगवान राम की भूमि है, ऐश्य राम, ये जो दीपोत्सव हो रहा बहुत अच्छा है। जब से योगी जी आए ने तब से दीपोत्सव ऐसे ही बन रहा है। और मंदिर की बात रही तो मंदिर भी बहुत जल्द ही नवंबर तक बनने वाला है, और योगी जी ही बनवाएंगे और मोदी जी ही। हाँ,
ये दीपोत्सव जब से बन होने लगा हमारे अयोध्या का और भी रोशन होने लगा और कितना भव्य मनाया जा रहा है, हर साल इसका बढ़ता ही जा रहा है। ये हम अगले साल से अच्छे हैं, हम यहाँ के रहने वाले नहीं हैं, विक्रमजीत के रहने वाले, यहाँ रूम लेके रहते हैं। अच्छा, को लेकर क्या तैयारी है? मैं क्या बता, 5 लाख क्या नजर दिए जलेंगे, इतना पता है बाहर के लोग आएंगे। ये तैयारियाँ तो हम बहुत अच्छा देख रहे हैं, हम तो बिहार से आए हैं, कल्पवासी हैं, देखने में हमको बहुत आनंद लग रहा है और बहुत सारे कुछ जो व्यवस्था है सरकार की बहुत सुंदर हमको समझ में आ रहा है, देख रहे हैं बहुत सुंदर। क्या क्या लग रहा है, क्या क्या तैयारियां यहाँ पर हो? तैयारी यहाँ पर देखते हैं जो हर जगह जो भगवान का जो खास खास जगह है बहुत बढ़िया से सजाया गया है, हर जगह घूम करके देख रहे हैं। सरजू किनार भी सजाया जा रहा है, वो भी देखते हैं बहुत सुंदर ढंग से सजाया जा रहा है और हमको तो बहुत अच्छा लग रहा है। हम सुल्तानपुर से आए हैं, बहुत अच्छा लग रहा है और तैयारियां बहुत अच्छी से हो रही है, चारों तरफ मतलब उजाला ही उजाला दिख रहा है और दिखेगा भी जब वो दीपदान होगा तो, दीपोत्सव होगा तो, इसीलिए हम लोग यही देखने के लिए आए हैं। आप क्या कहेंगे दीपोत्सव? बहुत अच्छी तैयारी हो रही है भैया, यहाँ योगी मोदी के तरफ से 5,51,000 दीपक जलेंगे, कल से परसों 24 तारीख 25 तारीख 26 तारीख तक मिलाकर दीपदान करेंगे योगी यहाँ आकर, यही तैयारी यहाँ हो रही है, यही देखने हम लोग आए हैं। आप क्या कहेंगे? अरे यहाँ हमको आने पर बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत संता लग रहा है, अच्छा लग रहा है। यहाँ पर तो वैसे तो काफ़ी तैयारियाँ हो रही हैं, आप तो खुद ही देख रहे हैं यहाँ पर कितनी तैयारियाँ हो रही हैं, और दीपावली तो वैसे यहाँ पर 26-27 को ही है, लेकिन यहाँ पर आज से ही देखा जा रहा है, आज से यहाँ पर देखा जा रहा है इतनी तैयारियाँ की जा रही हैं, पर 5,51,000 के दीपक जलाए जा रहे हैं, जो कि माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर जला रहे हैं दीपक। और खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।